धन्यवाद जितपे। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमारे पहले स्पीकर को मैं आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर महबूब देसाई। डॉक्टर महबूब देसाई, इनके बारे में कुछ कहना सचमुच बहुत ही डिफिकल्ट है। इनका बायोडाटा हम पढ़े तो इन्हें इतने प्रोजेक्ट्स, इतने रिसर्च पेपर्स और इतना सब कुछ काम किया है कि इनको हाल ही में जो प्रधानमंत्री बने हैं और जो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके हाथों इनका बहुत ही स्पेशल सम्मान हुआ है। और आपको ये सुन के ताजुब होगा कि ये अपने मजहब में तो बहुत ही ज्यादा मास्टरी रखते हैं, लेकिन जैन धर्म का इनका सघन अभ्यास है। और ये गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेड डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चरल, अहमदाबाद के रिसर्च फेलो IIAS शिमला, ऐसे सब इनकी उपलब्धियां हैं। ये दिव्य भास्कर में रेगुलरली लिखते हैं और इनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ। 3 पन्नों की लिस्ट है। यहाँ ये बोलना बहुत ही नामुमकिन है। और महबूब देसाई को अगर आप मुंबई जैन युवक संघ में भी जाते हैं रेगुलरली, तो उनके यहाँ भी ये पधार चुके हैं। नरेंद्र मोदी के हाथों जिनका सम्मान हुआ है, ऐसे हमारे डॉक्टर महबूब देसाई का सम्मान आज मैं यहाँ वर्ल्ड जैन कॉन्फेडरेशन की ओर से मैं श्री प्रकाश जी कानूगो को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो डॉक्टर महबूब देसाई का सम्मान करें। उनके सम्मान के बाद उनका हम व्याख्यान सुनेंगे। और खास बात तो ये है कि डॉक्टर महबूब देसाई और आज के हम पधारे राजेश्वरेश्वर जी महाराज साहब, ये दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है। जब हमने एक दूसरे को जिक्र किया कि डॉक्टर महबूब देसाई पधार रहे हैं और साहिब जी भी पधार रहे हैं, तो उन्होंने आपस में बातचीत भी कर ली कि हाँ ठीक है, हम दोनों वहां पे मिलेंगे। और जैसे ही गुरुदेव पधारे, महबूब देसाई उठ के पहले उनको वंदन करने के लिए गए। डॉक्टर महबूब देसाई वहां पे बैठ के बोलेंगे या पोडियम पे आएंगे? हाँ, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर महबूब देसाई जी, प्लीज पधारें। से तो बरसों से है, क्योंकि भरूच में उन्होंने मुझे यकायक याद किया। वहां उन्होंने मुझे उनकी 50 साल का जो सेलिब्रेशन हुआ सेवाओं का, उस वक्त मुझे याद किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं इस मामले में बड़ा खुशनसीब रहा हूं कि मुझे ऐसे गुरुदेवों का आशीर्वाद मिलता रहा है। आज भी मेरे लिए गुरुदेव जब फोन पर मुझे मिले, बताया कि आप, मैं आ रहा हूँ, बताया कि आप आइए, उन्होंने बताया क्या चाहिए, मैंने बोला कि आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जिससे मुझे मिलेगा कि मेरी छोटी सी बैग में करोड़ों की संपत्ति आ गई। मैं इसके लिए इलाहाबाद का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत अहम है, क्योंकि आज सुबह से मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ। सुबह में मैं निकला तो फ्लाइट से यहाँ आया तो फिर
रास्ते में ड्राइवर गाड़ी का था, उन्होंने कहा कि ये सिद्धि विनायक मंदिर यहाँ पास में, मतलब दो मिनट के लिए तो गाड़ी यहाँ रुक दे भाई, सिद्धि विनायक मंदिर। अच्छा तो इसको टेढ़ा कर दो। मैंने बोला 5 मिनट तू सिद्धि विनायक मंदिर के पास गाड़ी रख दे भाई, मैं थोड़ी प्रार्थना करूं, अंदर जाने का शायद वक्त नहीं है लेकिन यहां से तो कर सकता हूं मैं। उससे थोड़े आगे चला तो हाजीपुर की दरगाह आ गई, तो वहां भी ड्राइवर को बोला भाई 5 मिनट रुक जा, यहां भी कुछ दुआ कर लो। वहां से निकल के यहां आया तो मैंने बोला कि बहाउद्दीन साहब की दरगाह तो यही है, तो मैं अभी बहुत देर थी तो वहां चला गया, वहां भी कुछ दुआ कर दी। पासी में थोड़ी मस्जिद में है, फजर की नमाज नहीं पढ़ी थी तो बोला ये तो बहुत अच्छा हो गया कि फजर की नमाज भी वहां हो गई। वहां से निकला तो सीधा यहां आया तो महाराजा साहब के दर्शन हो गए। आज का दिन मेरे लिए तीर्थ यात्रा समान हो गया। और जो महानुभाव यहां बैठे हैं महाराजा साहब के आगरा से, उनका मैं नाम उल्लेख करूंगा। भूपेंद्र भाई बैठे हुए हैं, प्राणलाल भाई शेख बैठे हुए हैं, प्रेमाचार्य जिनको हम पापा जी कहते हैं, ऐसे महानुभाव के बीच में मुझे बात करने का मौका इलाबेन ने दिया, फिर से उनका शुक्रगुजार करता हूँ। दोषी साहब बैठे हुए हैं, रैंके साहब बैठे हुए हैं, जितेंद्र भाई बैठे हुए हैं, अब ऐसे बड़े लोगों के बीच में मैं मास्टर क्या बात करूंगा। हम लोग शुरुआत में जय जिनेंद्र कहते हैं, मुझे उस वक्त जय जिनेंद्र आप लोग कह रहे थे, उस वक्त मुझे मेरे भावनगर के जो छोटा सा मकान है उसकी बरामदे में जब सुबह में मैं घूमता हूं, टहलता हूं, वॉकिंग करता हूं, तो वहां से निकलने वाले हर इंसान मुझे अपनी तरीके से दुआ सलाम करते हैं। कोई निकलता है तो जय माता जी कहता है, कोई निकलता है तो जय स्वामीनारायण भी कहता है, कोई निकलता है तो जय जिनेंद्र भी कहता है, कोई मुस्लिम निकल जाता है तो सलाम अलैकुम भी बोल देता है। मैं उनको सबको जवाब देता हूं क्योंकि हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने एक जगह कहा है कि जिस बात में, जिस शब्द में, जिस लफ्ज में आपको सलाम पेश किया जाए उसी लफ्ज में आप उसको जवाब दो, उसमें कोताही करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसमें भेद भरम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जबान में आपको सलाम किया जाता है वही जबान में जवाब देना बहुत सवाब का काम है, पुण्य का काम है। तो जय आप सबको भी मेरे और से जय जिनेंद्र। दोस्तों इलाबेन ने मुझे कहा कि मुझे इस्लाम और अहिंसा के बारे में बात करनी है। आज 2 अक्टूबर है और इनका सेमिनार का जो सब्जेक्ट है प्यार ही अहिंसा है और अहिंसा ही प्यार है। प्यार का कोई मजहब ही नहीं होता। तुम्हें फुर्सत है, मुझे फुर्सत है, चलो इश्क करें। तुम्हें फुर्सत है, मुझे फुर्सत है, चलो इश्क करें। तुम्हें जरूरत है, मुझे जरूरत है, चलो इश्क करें। ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, छोड़ो यार ये सियासत है, चलो इश्क करें। इश्क में कोई 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 मजहब होता ही नहीं। हमने देखी थी उन आंखों की महकती खुशबू, छूकर इसे रिश्तों का कोई नाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। किस मजहब में ऐसा लिखा हुआ है कि आदमी को मार डालो? किस मजहब में ऐसा लिखा है कि आप हिंसा कीजिए? कोई मजहब में कभी भी ऐसा लिखा नहीं गया। और इस्लाम या हो या जैन धर्म हो या हिंदू धर्म, कहीं भी हिंसा की बात नहीं है।
हाँ, गलती कहां हुई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। गलती वहां हुई है हम जब हमारे मजहब को लोगों तक अच्छी तरह पहुंचाने में अपनी अपनी फर्ज चूक जाते हैं, यानी कि अपनी फर्ज को भूल जाते हैं, वहां मजहब गलत तरीके से पेश आता है। उसमें मौलवी भी आ सकते हैं, आलिम भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूं, और जो इस्लाम को मानते हैं वो सभी आ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हमने यूं दिल को बहलाया है, एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है, कभी कभी यूं हमने दिल को बहलाया है, जो खुद नहीं जानते लोगों को समझाया है। इस्लाम को जो समझते नहीं वो इस्लाम की बातें कर रहे हैं, इस्लाम को जो जिसका मकसद ही शांति है उसके बारे में जब बातें करना चाहे तो आप कहते कि नहीं इस्लाम ने ये कहा। मैं मुझे किसी को पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूं, तो मुझे एक भाई ने फोन करके बोला वहां फतवा मत देना। हमारे एक बिरादर ने कहा कि वहां साहब जाके फतवा मत देना। मैंने बोला फतवा देने का काम मौलवी का होता है, प्रोफेसर का नहीं होता। वो फतवा नहीं देता, वो सही असल सच्ची बात कहता है। और जब हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं तो किस 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 मुताबिक, किस बेस पर, किस ज्ञान के बाद से हम बात करते हैं। मैं दिल्ली जाता हूं तो वहां निजामुद्दीन औलिया की एक मजार है। वक्त मिल जाता है कहीं यूनिवर्सिटी में से, वक्त मिल जाता है कहीं यूपीएससी में से, मीटिंग खत्म हो जाती है तो चलो मैं ड्राइवर को कहता हूँ कि चल भाई निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर ले। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास एक और दरगाह है अमीर खुसरो की, वो उनके परम शिष्य थे, परम शिष्य ने उनकी आखिरी वक्त तक उनकी बहुत खिदमत की। उनके एक और शिष्य थे बाबा फरीद। बाबा फरीद उन्होंने निजामुद्दीन की औलिया की बहुत खिदमत की, लेकिन जब उनको ऐसा लगा कि मुझे इबादत करना है, यहां इस समाज में रहकर मैं इबादत नहीं कर सकता, तो वो निकल पड़े जंगल में। कई साल तक जंगल में रहे, कई साल तक जंगल में रहे, उनके सर के बाल बढ़ गए, कभी जंगल में खाना नहीं मिला, पेड़ पौधों के पत्तों को तोड़कर खाना खाया, कई साल तक रहे। फिर यकायक वो अपने गांव गए, अपने घर का दरवाजा उन्होंने नॉक किया, उनकी बुजुर्ग माँ ने दरवाजा खोला, देखा कि बच्चा आया है। बेटा तू इतने सालों के बाद, माँ ने अपने बच्चे को अपने गोद में सुलाया और उसके उनके सिर पर हाथ फेरने लगे। एक बार ऐसा किया, दूसरी बार ऐसा किया। बाबा फरीद ने कहा कि माँ तू मेरे सर पर हाथ मत फेरा, मेरे बाल खींचते हैं, मुझे दर्द होता है। बाबा फरीद की माँ कहती कि बेटा तेरे बाल में हाथ फिराने से तेरे बाल को इतना दर्द होता है, तो जिस जंगल के पेड़ के पत्ते तोड़कर तूने खाए उस जंगल के पेड़ को कितना दर्द हुआ होगा। तब बाबा फरीद को पता चला कि इबादत ऐसी करनी चाहिए जिसमें तकलीफ अपने आप को सहनी है, दूसरों को नहीं देनी है। ये इबादत का सबसे पहला उसूल है कि जब हम इबादत करते तकलीफ हम महसूस करें, दूसरों को ये तकलीफ देने से हमारी इबादत रंग नहीं लाएगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां अमेरिका में गए और उन्होंने यूनो में एक लेक्चर दिया, उन्होंने एक लफ्ज का उसको उन्होंने खास नरेंद्र भाई इस्तेमाल किया, टेररिज्म अच्छा या बुरा, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ऐसा लफ्ज का उन्होंने इस्तेमाल किया। मुझे अच्छा लगा कि टेररिज्म अच्छा बुरा होता ही नहीं, टेररिज्म अच्छा भी नहीं होता, बुरा भी नहीं होता, और टेररिज्म हिंदू भी नहीं होता और मुसलमान भी नहीं होता, टेररिज्म टेररिज्म होता है। और जिस जिस लफ्ज के साथ
आज लोगों ने जिहाद को बदनाम कर दिया है, उस लफ्ज के मायने हम लोग कहां जानते हैं? हमें पता ही नहीं कि वो लफ्ज क्या है। जिहाद लफ्ज के मायने हमें कुछ पता नहीं, और हमारे मौलवी साहब उनके बारे में कुछ बताते नहीं।